नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में दो बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में जो कि 1000 से ज्यादा कमाई कर चुकी हैं। ऐसी फिल्में देने वाले बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म डंकी के बारे में फाइनली फिल्म के ड्रॉप 2 को भी लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। जी दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म डंकी के ड्रॉप 1 को काफी ज्यादा पसंद किया गया था, फाइनली फिल्म का ड्रॉप 2 काफी जल्दी आने वाला है। बताया जा रहा है कि फिल्म के टोटल 6 ड्रॉप आउट किए जाएंगे जिसमें से दूसरे ड्रॉप को लगभग 4 दिन के इंतजार के बाद रिलीज किया जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि 20 नवंबर वाले दिन इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार ईरानी के बर्थडे के मौके पर फिल्म डंकी के ड्रॉप 2 को आउट किया जाएगा और साथ ही फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग भी काफी जल्दी आउट होने वाला है। बताया जा रहा है कि फिल्म डंकी के फर्स्ट सॉन्ग को नवंबर के लास्ट वीक में रिलीज किया जाएगा। अगर बात करें फिल्म डंकी के बुक माई शो इंटरेस्ट के बारे में तो बुक माई शो पर भी फिल्म का काफी अच्छा क्रेज देखा जा रहा है। जी दोस्तों, सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म डंकी को रिलीज के लगभग 36 दिन पहले बुक माई शो पे लगभग 1,08,900 इंटरेस्ट मिल चुके हैं जो कि अपने आप में काफी बड़ा रिकॉर्ड है। और IMDB की रेटिंग पर तो यह फिल्म काफी दिनों से नंबर 1 पर बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म डंकी लगभग 19.9% के रेशो के साथ IMDB की रेटिंग पर नंबर 1 पर बनी हुई है और सालार को भी पीछे छोड़ चुकी है। जैसा फिल्म का क्रेज देखा जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहले दिन यह फिल्म इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से काफी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली है। अपने लाइफ टाइम में लगभग 2000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई दुनिया भर से कर सकती, जिसके पीछे का कारण है कि इस फिल्म का इंडिया के साथ साथ ओवरसीज में भी काफी अच्छा क्रेज देखा जा रहा है और हिंदी के साथ साथ बाकी सभी भाषाओं से यह फिल्म काफी ताबड़तोड़ कमाई करने वाली। तो आप सभी सुपरस्टार शाहरुख खान के कितने बड़े फैन है और फिल्म डंकी के ड्रॉप 2 को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।